हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा हाउस पार्टी, यानी कि जो डॉक्टर श्वेता मैम है हमारे डिपार्टमेंट की, उनके घर पे हमने पार्टी किया था। मैम ने हम सबको इनवाइट किया हुआ था और हम लोग उनके घर पे गए थे। और जैसे कि आप सब ने देखा कि सब अवतार मूवी देख रहे थे एंड एन्जॉय कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक पी के। और यहाँ पर पंकज आते ही अपने काम में लग गया है, क्योंकि पंकज एक बहुत ही अच्छा कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। और जिस दिन हमने पार्टी रखा था उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रहा था भुवनेश्वर में, तो हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे। और जाते ही मैंने किचन में मैंने देखा कि जो भी सारे नॉनवेज खाना बनना था वो ऑलमोस्ट बन गया था और वेज का थोड़ा थोड़ा कुछ बन रहा था। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैम ने सबको फ्राइड प्रॉन दिया हुआ था, छोटा छोटा जो प्रॉन आता है वो वाला स्टार्टर में, तो सब लोग यहाँ पर वो इन्जॉय कर रहे थे। मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मेरा यहाँ पर पत्ता कट गया। एनीवेज़, देन बनानी और मैं मैम के साथ नीचे गए थे उनके अपार्टमेंट के नीचे, क्योंकि बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट है ये। रॉयल लागून भुवनेश्वर का अपार्टमेंट है, बहुत सुंदर सोसाइटी है ये। बारिश थोड़ा थम हो गया था तभी हमने देखा कि बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था मैम के बिल्डिंग से, काफ़ी सुंदर व्यू। और ये बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट है तो व्यू तो अच्छा खासा वहाँ से मिल ही जाएगा। वैसे ये है मैम का छोटा सा गार्डन जो कि उनके बालकनी में हुआ था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चारों तरफ ग्रीनरी जिसका होता है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा पेड़ पौधे देखने लगे। और आप सबको तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि वो व्यू कैसा था, कितना सुंदर और एकदम मेस्मराइजिंग ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा था। ग्रीनरी एक अलग टाइप का, एकदम फ्रेश ग्रीनरी था तो बहुत सुंदर लग रहा था। सो गाइज, थोड़ा सा फोटोज़ वीडियोज़ बनाने के बाद दोबारा से हम लोग किचन में आ गए ताकि देख सके कि खाना कब तक बनेगा। तो यहाँ पे सलाद का प्रिपरेशन हो रहा था और यहाँ पे बन रहा था मशरूम मंचूरियन, उसका भी प्रिपरेशन हो रहा था। और मशरूम को फ्राई करके यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया गया था और यहाँ पे रखा था फ्राइड प्रॉन। और जो भी सारा खाना उस दिन बना था वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ये लोग आके यहाँ पे बस मजे कर रहे थे और कुछ नहीं। वैसे यहाँ पे जो मंचूरियन था, मशरूम मंचूरियन, वो काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा है और ऑलमोस्ट रेडी भी हो गया था। और ये है मैम का बड़ा बेटा और ये है छोटा बेटा, दोनों के दोनों पूरा एकदम शैतान के शैतान ही है। उसके बाद सर और मैम दोनों हमें लेके गए उनके सोसाइटी का या फिर अपार्टमेंट का जो क्लब है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि बच्चों के खेलने के लिए भी है, बड़ों के खेलने के लिए भी है, बहुत सारे कुछ चीज़ें। यहाँ पे बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस खेलने के लिए भी है, चेस है, कैरम है, सब कुछ अवेलेबल है। और जब हम लोग गए थे बच्चे वहाँ पे बैठ के खेल भी रहे थे। तो काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, जैसे कितना बड़ा लॉबी आप लोग देख रहे हो, बहुत ही स्पेसियस है ये जगह, तो मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। देन हम लोग गए यहाँ पे जिम में और जिम में बहुत सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ है। और ध्रुव जाते ही अपना जिमिंग स्टार्ट कर लिया, यानी कि वेट लिफ्टिंग वगैरह वो कर रहा था। और उसको देख के मैम के दोनों बेटे भी लग पड़े उसी में ही। इन सब के अलावा इसके अंदर सलून भी है, स्पा भी है, तो सारा कुछ सर्विसेस आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाएगा। देन हम लोग आ गए थे बाहर और बाहर आने के बाद यहाँ पे इतना सुंदर गार्डन और फ्लावर्स देखे, मैंने उन सबको थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया। देन यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है जहाँ पे बच्चे खेलने भी लगे। और इनके साथ साथ ध्रुव भी उस दिन बच्चा बन गया था और वो भी खेलने लगा था। देन यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जगह है, गैलरी काइंड ऑफ इन्होंने बनाया है। अगर कुछ फंक्शन वगैरह या फिर कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पे होता है तो इसी जगह पे होता है, ताकि सारे लोग अच्छे से देख सके। कितना बड़ा सोसाइटी या फिर अपार्टमेंट है, आप सब देख सकते हो। देन यहाँ पे एक छोटी सी बेबी मुझे दिखी जो कि झूला झूल रही थी, इतनी ज़्यादा क्यूट थी ना, इतनी ज़्यादा क्यूट थी कि मन कर रहा था कि उसको एकदम से झपेट लूँ और बहुत सारा प्यार करूँ, लेकिन वो रोने लगी। फिर उसको मैंने ऐसे ही झूले में झूलने दिया। बाकी इन लोगों का तो आप लोग देख ही रहे हो कितना नौटंकी कर रहे थे उस दिन।
सो ये पूरा अपार्टमेंट हम सब ने घूम के देखा, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ सबके साथ तो बहुत मज़ा आया। दिन हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि चिकन रखा है सामने, और ये था चिकन कौसा, एकदम देसी उड़िया स्टाइल में बनाया गया था। और ये है लेग पीस, आप सबको तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा नॉनवेज के बारे में, मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। देन ये था यहाँ पे प्रॉन करी, प्रॉन का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसको बागदा चिंगुड़ी बोलते हैं उड़िया में। वैसे प्रॉन भी रेडी था और चिकन भी रेडी था, तो आप सबको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आप चिकन खाना पसंद करते हो या फिर प्रॉन। यहाँ पे बना था दाल तड़का, और दाल तड़के के साथ ये था अचारी बैंगन जो कि काफ़ी टेस्टी था, और ये था मशरूम मंचूरियन, थोड़ा ड्राई वाला बना था। और यहाँ पे है वेज पुलाव, और वेज पुलाव का टेक्सचर क्या ही मैं बताऊँ गाइज, आप सबको वीडियो में दिख रहा होगा कि कितना कलरफुल दिख रहा है। ये सारे वेराइटीज़ के वेजिटेबल्स तो इसमें था ही था, उसके ऊपर ये हरा धनिया एकदम लाजवाब दिख रहा था। सो लंच टाइम हो गया था, सब खाने के लिए बैठ गए थे, अभी खाना परोसना बाकी था। बनानी यहाँ पे प्रॉन और चिकन ये सब कुछ दे रही थी, सर्व कर रही थी। देन यहाँ पे खाने से पहले पुलाव के ऊपर भर भर के घी डाला जा रहा है जो कि इसकी टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। और ये था हमारा दही एंड खीरा का सलाद जो कि पंकज बना रहा था, जो भी सारे मसाले वसाले डाल के इसने एकदम से अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, बहुत अच्छा बनाता है वो। देन यहाँ पे सब लोग ऑलरेडी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और नीचे बैठ के खाने खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। मुझे लगता है कि मेरा डाइजेशन अच्छे से होता है अगर मैं नीचे बैठ के खाना खाती हूँ। सो गाइज, कभी अगर आप सब मिलके अपने घर में या फिर अपने फ्रेंड्स के घर में इस तरह से खाना बना बना के खाते हो या फिर एंजॉय करते हो, पार्टी करते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो सबका प्लेट ऑलमोस्ट भर गया था, और ये है पूरा प्लेट का व्यू जो आप सबको मैं दिखा रही हूँ। सलाद है, प्रॉन है, चिकन है, पुलाव है, उसके साथ है अचारी बैंगन एंड मशरूम मंचूरियन गाइस। तो आप सबको ये प्लेटर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो गाइज, जब प्रॉन परोसा जा रहा था तभी बहुत ही एक बड़ा साइज का प्रॉन हमें दिखा जो कि प्रॉन का ग्रैंडफादर जैसे दिख रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। देन ये है मेरा प्लेटर एकदम शुद्ध शाकाहारी, तो मैंने बस मशरूम लिया था, बैंगन लिया था, दाल चावल एंड सलाद। उस दिन जो भी सारा खाना बना था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा टेस्टी होगा, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। घर के खानों का ही कुछ अलग ही मज़ा होता है, आप सबको पता होगा। आप लोग कहाँ पे ज़्यादा खाना प्रेफर करते हो, बाहर का या फिर घर का, वो मुझे बताना ज़रूर। देन खाना खाने के बाद हम लोग बैठ के वहाँ पे ऐसे ही गप्पे मार रहे थे, तो मैम का जो बड़ा बेटा है वो ना आबाकस भी सीखता है, तो वो अपना आबाकस लेके आ गया अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो हम लोगों ने भी उससे कुछ सीखा उस दिन। बाकी ये जो हाउस पार्टी था ये मैम की तरफ से था, बहुत दिनों से हम लोगों का प्लानिंग चल रहा था कि कब करेंगे कब करेंगे, तो फाइनली ये हो गया एंड हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। खाना एकदम टेस्टी बना था, हम सब ने मिलके बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे डिस्कशन हुआ हमारे बीच जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें। आप लोगों का हाउस पार्टी कैसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लास्ट में हमने ये कस्टर्ड खाया, उसके साथ आइसक्रीम भी था। सो जाते जाते प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।